खबरें दे रही हो सजनों, मेरा नाम है श्याम चौहान और आप देख रहे हैं इसके कार वर्ल्ड। और सामने अपने हैं मारुति सुजुकी एक्सेल 6, जो कि अगर इसे देखा जाए तो ये आपको मारुति सुजुकी जो अर्टिगा आती है सेम टू सेम वैसी लगती है, लेकिन लुक्स और डिज़ाइन और इसकी प्रीमियमनेस है जो कि उससे बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब अगर आप इसे देखोगे तो आपको देखकर यही लगेगा कि इसको मतलब मारुति ने क्या किया कि अपनी अर्टिगा को उठाया और उसे थोड़ा प्रीमियम टच देकर और मार्केट में से एक्सेल 6 के नाम से इसे फिर से लॉन्च कर दिया है। अब इसके लुक्स की बात की जाए तो अर्टिगा से बिल्कुल डिफरेंट है, हालांकि जो इसकी लेंथ हाइट विड्थ जो भी है वो सब सेम है, लेकिन जो लुक्स हैं वो थोड़े अलग हैं। लुक्स में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके जो ये फॉग लैंप है जो कि आपको एलईडी के अंदर मिलते हैं ये, लेकिन ये आपको प्रोजेक्टर में नहीं मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हेडलाइट की, जो हेडलाइट जो है इसकी पूरी तरीके से एलईडी मिलती है और ये इसका डीआरएल मिलता है, यहाँ पर इसका इंडिकेटर मिलता है जो कि हेलोजन में मिलता है। यहाँ पर जो इसकी हेडलाइट है ये इसके लो बीम के लिए है और ये इसके हाई बीम के लिए काम करता है। उसके बाद जो इसकी ग्रिल है वो जो है इसके अंदर क्रोम की पट्टी दी गई है, यहाँ पर इसका बड़ा सा सुजुकी का लोगो दिया गया है और 360 डिग्री का इसके अंदर कैमरा नहीं मिलता क्योंकि ये जेटा वेरियंट है, एम टी है यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर है। और यहाँ पर इसकी बड़ी सी क्रोम की डिज़ाइन दी गई है, क्रोम की डिज़ाइन ग्रिल के चारों तरफ भी आपको देखने को मिलती है। बाकी जो वेंट्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं जिसकी वजह से आपके इंजन कूलिंग और एसी कूलिंग के लिए आपको यहाँ पर वेंट दिए गए हैं, वही सब सेटअप आपको इस तरफ मिलता है। उसके बाद बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो सबसे पहले हमारी नज़र जाती है इसके जो खूबसूरत से जो इसके अलॉय व्हील हैं उन पर। अलॉय व्हील की बात की जाए तो ये आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन दिए गए हैं जो कि मशीन कट अलॉय व्हील हैं। और टायर साइज की बात की जाए तो R16 यानी कि 16 इंच के आपको इसके अंदर टायर दिए गए हैं। सस्पेंशन ट्रेवल की बात की जाए तो अच्छा खासा सस्पेंशन ट्रेवल आपको इसके अंदर मिल जाता है और ये पूरी तरीके से वेल्ड यहाँ पर कवर दिया गया है जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है, जो इसकी कार की जो बॉडी है वो पानी लगने से या किसी भी और चीज़ से ख़राब ना हो। उसके बाद बात करते हैं इसके ओ आर बी एम की बात की जाए तो ये ऑटोमेटिक फोल्डेबल हैं और इसके नीचे आपको वही कैमरा नहीं मिलता है क्योंकि ये जेटा वेरियंट है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं ना रेन वाइजर और ये जो भी क्रोम की पट्टी आप देख रहे हो ये सब एक्सेसरीज का पार्ट है, यहाँ पर नीचे दे गए ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है, लेकिन जो ये जो मैट क्लाइडिंग जो यहाँ पर दी गई है ये सब इसके गाड़ी के साथ आती है जो कि इसको एक थोड़ा एसयूवी टाइप का लुक्स देने की कोशिश की गई है। डोर हैंडल की बात करें क्रोम के अंदर आते हैं और बाकी जो डिजाइन है वो आपको बिल्कुल अर्टिगा जैसा लगेगा। अब इसके पीछे के टायर की बात करें तो उसका भी सस्पेंशन ट्रेवल जो है वो बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा है, मेरा हाथ देखिए इसके अंदर नजर आ रहा है, उसके बावजूद जो जगह है वो बच रही है फिर भी यहाँ पर जो है ये इसको अच्छी तरीके से वेल्ड कवर दिया गया है, वही जो आपको गाड़ी की सेफ्टी के लिए अच्छे तरीके से दिया गया है। यहाँ पर इसका पेट्रोल टैंक है। और पीछे की प्रोफाइल की बात करें तो पीछे की प्रोफाइल जो है वो आपको वैसे तो देखो अर्टिगा से सेम लगेगी, लेकिन सबसे पहले जो इसकी बैक लाइट है उसके अंदर डिजाइन आपको चेंज मिलेगा, ये आपको थोड़ी स्मोकी टाइप में आपको दी गई है, फुली एलईडी फंक्शन के साथ आती है। यहाँ पर इसकी बैक लाइट आती है और ये इसका इंडिकेटर आता है जो कि आपको हैलोजन के अंदर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपको XL6 का लोगो दिया गया है, यहाँ पर इसका आपको पार्किंग कैमरा दिया गया है, यहाँ पर इसका लोगो दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपको वाइपर डिफॉगर ये सब चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर इसका वॉशर भी दिया गया है। नेक्सा की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिलती है और स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर दी गई है। चार आपको पार्किंग सेंसर दिए गए हैं जिसके अंदर आप कंपनी ने किसी भी प्रकार की कोई कंजेशन नहीं की है। अब बात करते हैं इसके सबसे पहले डोर ओपनिंग की और उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको रूफ ग्रिल दी गई है जो कि इसकी एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है, ये पहले से लगी हुई आती है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके डोर ओपनिंग की तो पहले खोल लेते हैं पीछे का दरवाज़ा जो कि पहली बात बहुत बड़ा दरवाज़ा है तो आपको इसके अंदर बैठने में उतरने में कोई परेशानी होगी और दूसरी बात जो इसकी ओपनिंग है वो आपको काफ़ी वाइड मिलती है। अब डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, उसके बाद हार्ड टच यहाँ पर ये भी हार्ड टच, यहाँ पर आपको एक वाटर होल्डर दिया गया है, यहाँ पर कुछ आप मैगजीन वगैरह या कोई और चीज़ रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक स्पीकर ग्रिल दी गई है, ये इसका डोर लीवर है और यहाँ पर आपको इसका पावर विंडो का कंट्रोल दिया गया है। अब इसके अंदर आपको आर्टिका की जैसे बेंच सीट नहीं दी जाती, इसके अंदर आपको कैप्टन सीट मिलती है और ये 6 सीटर वर्जन आपको मिलता है। अब इसके थाई सपोर्ट की बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम थाई सपोर्ट किसके देख लेते हैं। थाई सपोर्ट जो है ना वो आप खुद देख सकते हो कितना जबरदस्त और कितना बेहतरीन आपके इसके अंदर
हाई सपोर्ट दिया गया है। ये इसका आर्मरेस्ट इसके साथ मिलता है, जो सेपरेट मिलता है, अलग अलग मिलता है। और उसके बाद बात करते हैं हम इसके अंदर बैठ कर, इसके अंदर आपको स्पेस कैसा दिया गया। स्पेस की बात करें तो पहले हम इसके अंदर बैठ जाते हैं, दरवाजे को कर लेते हैं बंद, और अब हम देखते हैं इसके स्पेस की बात करें तो देखिए, आप सीट को चाहे तो थोड़ा सा आगे और पीछे कर सकते हैं। ये सीट जो है फुल्ली पीछे की गई है, लेकिन उसके बावजूद आप नी रूम देख सकते हैं, लेग रूम भी आप देख सकते हैं। और हेड रूम की बात की जाए तो हेड रूम आपको बहुत ही अच्छा मिलता है यहाँ पर। इसके एसी वेंट दिए गए हैं। एसी वेंट की बात करते हैं, इसका ब्लोअर सेट करने के लिए यहाँ पर आपको एक कंट्रोल दिया गया है, चार एसी वेंट दिए गए हैं। अच्छी तरीके से हवा आपको आएगी। यहाँ पर आपको एक हैंडल दिया गया है, ग्रिप हैंडल, और यहाँ पर इस तरफ आपको वही सब चीज़ें मिलती है जो कि आपको इस डोर के अंदर मिलती है। पीछे जाने के लिए आप चाहे तो इस तरह से यहाँ से भी आप पीछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सेवन सीटर वर्जन है, सिक्स सीटर वर्जन है। और पीछे जाने के लिए पीछे कैसा स्पेस वो आपको मैं बाद में दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक हैलोजन लाइट दी गई है, और यहाँ पर आपको एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस दिया गया है जिसमें आप अपने मोबाइल वगैरह को रख सकते हैं। हम्प की बात करें तो हम्प तो इसके अंदर बिल्कुल ही ना के बराबर है। ये आपको इसका आर्मरेस्ट मिलता है जो आगे की सीट के लिए होता है, जो स्लाइडिंग है। ये इसका डैशबोर्ड का लेआउट है जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। आगे जाकर इसकी बात करते हैं और इसके अंदर क्या फीचर दिए गए हैं उसकी बात करते हैं। आगे चलने से पहले बात कर लेते हैं इसकी की जो कि वही रेगुलर आपको की आपको मिलती है। अगर लेकिन की अगर आपके पास है तो यहाँ से आप इसका पार्किंग सेंसर जो है, रिक्वेस्ट सेंसर, इसका दबा कर आप अपने गेट को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। वही बात, डोर इसका पीछे का जैसे दरवाजा बड़ा था वैसे ही इसका आगे का दरवाजा भी बड़ा है। और डोर ट्रिम की अगर बात की जाए आगे के गेट की, आगे की डोर की, तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है। यहाँ पर जो है आपको एक वुडन टाइप फिनिश दी गई है, यहाँ पर आपको एक अलग फिनिश दी गई है जिसे आप कह सकते हो सिल्वर टाइप की कुछ फिनिश दी गई है। उसके बाद जो डोर ट्रिम की बात करते हैं, यहाँ पर आपको एक वाटर होल्डर दिया गया है, यहाँ पर आपको कुछ स्पेस और दिया जाता है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा ग्रिप करने के लिए थोड़ी जगह दी जाती है, और यहाँ पर आपको एक स्पीकर की जगह दी जाती है, यहाँ पर आपको एक ट्विटर भी मिलता है। सीट की बात की जाए तो आपको इसके अंदर फैब्रिक सीट ही मिलती है, लेकिन इसके थाई स्पोर्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले थाई स्पोर्ट पीछे की सीट का मैंने आपको दिखाया था, बहुत बेहतरीन था। और इसके थाई स्पोर्ट की बात करते हैं तो इसका भी थाई स्पोर्ट काफी अच्छा है, और अलग से ये बात यह है कि जो ये सीट है ये थोड़ी सी ऐसी उठी है जिससे आपको और अच्छा थाई स्पोर्ट इसके अंदर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके बाकी सब फीचर्स की, जिसके लिए हम इसके अंदर बैठते हैं और देखते हैं बाकी सब फीचर्स। सबसे बात पहले बात कर लेते हैं इसके स्टेयरिंग व्हील की। स्टेयरिंग व्हील की बात की जाए तो आपको बहुत ही प्रीमियम स्टेयरिंग व्हील दिया जाता है, लेकिन ये किसी लेदर टाइप किसी चीज से कवर्ड नहीं दिया गया है। एडजस्टमेंट की बात कर ले तो एडजस्टमेंट इसमें दिया गया है, लेकिन इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों टाइप के आपको इसके स्टेयरिंग एडजस्टमेंट आपको इसके अंदर दिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं, इस तरफ आपको कुछ कंट्रोल दिए जाते हैं जिसमें वॉल्यूम और इसके जो कंट्रोल हैं म्यूजिक सिस्टम के, जितने भी कंट्रोल आपको इस तरफ इसमें दिए जाते हैं, और बाकी सब कंट्रोल आपके MID वगैरह के और क्रूज के कंट्रोल इस तरफ आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको टेलीफोनी के कंट्रोल दिए जाते हैं, यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल दिए जाते हैं, इस तरफ आपको दिए जाते हैं हेडलाइट के कंट्रोल। ये है इसकी MID जो कि एनालॉग है, और बीच में आपको इसके अंदर MID भी मिलती है जो कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन बताती है, जैसे कि ट्रिप बताती है, माइलेज बताती है, फ्यूल बताती है, और टेम्परेचर बताती है, और दूसरी इसमें चीज़ बताती है जो कि आज के अंदर आती है टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन जो आती है वो आपको इसके अंदर बताती है। ये इसके ऐसे इवेंट हैं जो इसको आप यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं ब्लोअर को, और ये इसके अंदर वही वुडन फिनिश दी गई है। यहाँ पर आपको एक यहाँ पर आपको एक इसका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया जाता है, यहाँ पर इसके ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के और हेडलाइट एडजस्ट करने के कंट्रोल यहाँ पर दिए जाते हैं, और यहाँ पर आपको एक एडजस्ट स्पेस और दिया जाता है जो कि थोड़ा मस्त तरीके से ओपन और बंद हो जाता है। यहाँ पर आपको कंट्रोल दिए जाते हैं जिसमें आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल दिए जाते हैं, ORBM के कंट्रोल दिए जाते हैं, चार्ज लॉक करने के कंट्रोल यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। सेंट्रल कंसोल की बात करते हैं, सेंट्रल कंसोल में मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आई वो चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये जो आप कप होल्डर देख रहे हो ना, इसके अंदर भी आपको ऐसे वेंट दिए जाते हैं जिससे आप अगर इसके अंदर जैसे पानी रखो या कोई भी चीज़ रखो तो वो ठंडी रहती है, जो कि और भी बहुत सी कंपनियां जिनको इस पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद यह है 5-स्टीयर का मैनुअल ट्रांसमिशन, ये आपको मैनुअल हैंड ब्रेक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। ये इसका आर्मरेस्ट है जिसके अंदर बहुत ही कम स्पेस है, बहुत ही कम आप इसके अंदर सामान रख सकते हो। इस तरफ आपको इसका ग्लोव बॉक्स दिया जाता है जो कि डिसेंट है और ये कूल्ड है।
यहाँ पर भाई वुडन फिनिश और सिल्वर फिनिश दी जाती है। ये इसका फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी इसके अंदर दिया जाता है। ये इसका म्यूजिक सिस्टम है जो कि टच रिस्पॉन्स के मामले में अगर बात करें तो बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और इसके जो फंक्शन जो है, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं ना कहीं मैंने देखा था सिलेरियो के अंदर वैसा इसके अंदर आपको दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पॉइंट दिया जाता है 12 वोल्ट का और यहाँ पर आपको एक यूएसबी टाइप चार्जिंग पॉइंट दिया जाता है। ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टिकट होल्डर दिया जाता है सनवाइजर के अंदर, और यहाँ पर आपको गोगल होल्डर भी दिया जाता है। यहाँ पर इसकी एक लाइट दी जाती है जो कि वही हेलोजन के अंदर दी जाती है। इस तरफ आपको मिरर तो मिलता है लेकिन लाइट, किसी भी लाइट के साथ आपको मिरर नहीं मिलता है। ये आपको उसका ग्रैब हैंडल यहाँ पर दिया गया है, बाकी सब चीजें जो है वो सेम टू सेम है। टच एंड मटेरियल की बात करें तो हार्ड प्लास्टिक है इस तरफ, ये भी सब हार्ड प्लास्टिक है, पर फिनिशिंग जो है वो बहुत ही बेहतरीन रहती है। और मारुति की गाड़ियों की जो एक सबसे अच्छी बात होती है वो है फिट एंड फिनिश जो है वो और किसी भी कार से मुझे अच्छी लगती है और बेहतर लगती है। अब बात कर लेते हैं इसके सबसे पीछे वाली रो को जाकर देखते हैं। पहले तो इसका बूट आपको मैं दिखा देता हूं। अब बूट की बात कर लेते हैं, अगर बूट के ओपन करते हैं, सबसे पहले ओपन कर लेते हैं बूट को। बूट को ओपन करते हैं सबसे पहले आपकी जो नजर जाएगी वो यहाँ पर जाएगी, जो कि पूरी तरीके से वेल्ड कवर दिया गया है। उसके बाद आपकी नजर जाएगी ये जो हाइड्रोलिक स्टड हैं, ये भी आपको काफी अच्छे इसके अंदर दिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं ये जो इसका बूट है, बूट की बात करें अगर इसकी सारी सीटों को हम ओपन रखते हैं या बैठने के लिए तैयार रखते हैं तो उसके बाद आपको 209 या 208 लीटर की यहाँ पर बूट स्पेस आपको मिल जाती है। लेकिन यही सीट अगर हम पूरी तरीके से इसे स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट करने के बाद आपको काफी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है। अब पीछे की सीट की बात करते हैं, पीछे की सीट के लिए आपको यहाँ पर कप होल्डर दिए गए हैं जो कि दोनों तरफ आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपको एक चार्जिंग का पॉइंट भी दिया गया है जो कि इसी तरफ आपको मिलता है। अब बात करते हैं कि इस पीछे की सीट पर हम जाएंगे कैसे। तो पीछे की सीट पर जाने के लिए हमें सेकंड रो को खोलना पड़ेगा। सेकंड रो को दरवाजा जो है हम देखिए ये खोलते हैं। अब पीछे जाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ पर एक लीवर है, इसको ऐसे करते हैं और फिर सीट को थोड़ा सा आगे करते हैं। तो सीट को कर लिया है मैंने पूरी तरीके से आगे, और पीछे जाने के लिए यहाँ पर आपको इस तरह से अंदर जाना होगा। और जो ये सीट है ना, इनको आप चाहो तो अपने हिसाब से थोड़ा सा और रिक्लाइन भी कर सकते हो जिससे आपको बैठने में थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी। अब पीछे बैठने की बात करें तो जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो थाई स्पॉट तो जो है आप बिल्कुल भी मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरूम मुझे अच्छा मिल रहा है और लेग रूम भी मुझे अच्छा ही मिल रहा है। हेडरूम की बात करें तो वो भी डिसेंट है, ऐसी कोई खास परेशानी है नहीं, लेकिन ये जो जगह है ये सिर्फ बच्चों के लिए है। ग्लास की बात करें तो ये काफ़ी वाइड दिया गया जिससे आपको इसके अंदर बैठने के बाद किसी भी प्रकार की परेशानी होगी, आपको क्लास्ट्रोफोबिया महसूस नहीं होगा। लेकिन पीछे की रो के लिए किसी भी प्रकार की कोई ऐसी इवेंट नहीं दिया गया है, लेकिन चार ऐसे इवेंट आपको वहीं पर मिलते हैं जिससे आप चाहें तो उनके जो दो इवेंट है आप पीछे की तरफ कर सकते हैं और आपको हवा मिल सकती है, मतलब ठंडा तो हो ही जाएगा। तो बस यही थी XL6 मारुति की सुजुकी की XL6। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसी लगी ये कार, कमेंट करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कीजिए लाइक। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।